फरीदकोट में बैबल कला गोलीकांड के गवाह सुरजीत सिंह की मौत के बाद अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। सुरजीत सिंह की मौत के बाद 23 और गवाह सामने आए और सभी गवाहों का कहना है कि पंजाब सरकार की इस मामले में कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है और साथ ही सुरजीत सिंह की मौत पर राजनीति न करने की अपील भी की। इस दौरान सभी गवाहों ने कहा कि सुरजीत सिंह का गांव के कांग्रेसी वर्कर से निजी विवाद था, किसी भी गवाह को कोई धमकी या फिर मानसिक परेशानी नहीं दी जा रही। असीं पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ते पंजाब कांग्रेस दे प्रधान सुनील जख नूं बेनती करते हाँ कि इस विषय विच पहलां भी आपने कोशिश की, उच्च पत्री जांच करवाई, रणजीत सिंह कमीशन बिठाया ते उस दे उते अगली कार्रवाई लई असीं समूह साडे मीडिया नूं भी बेनती करते हाँ कि इस नूं सच्चे ढंग नाल कार्रवाई की जाए। इस टाइम हजे भी असं 23 गवाहियां दे रहे हैं जारी के जन के दिखाई पहले तो जसर कार्यू कमीशन कायम होया, सब तो पहला जो प्राइवेट कमीशन कायम होया सी जी, उदों बाद जसर जोरा सिंह वह इन्हें बादल सरकार ने कायम किया, वह भी एक गोंगलिया तो मिट्टी झाड़न वाली गल ही की उन्होंने, कोई इन्ना तो कोई इंसाफ नहीं दिता। जसर जोरा सिंह इतने फरीदकोट विखे आया सी, जो असी गवाहियां देन वास्ते इतने आए थे, वह जसटिस जोरा सिंह उस टाइम आपदे जिहड़ी उहदी सुरक्षा सीगी चाहे कोई उहदे अफसर सी उहनां नूं लैके जा रहा सी, ना कि एक बयान जिहड़े उह कलमबंद करने सी, उह सिर्फ एक खाना पूर्ति सीगी बादल सरकार ने, सुखबीर सिंह बादल ने, प्रकाश सिंह बादल ने।